हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द इरेगुलर हार्ट बीट्स ई हार्ट बीट्स कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं अरिदमिया तो अरिदमिया होने के जो कोजेज है कि जिसको हम कहते हैं रीजन्स कोजेस मतलब कि वो होने के कारण जो रीज़न्स वगैरह है और उसके सिम्टम्स के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किसके कारण सबसे पहले तो अरिदमिया होता है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि जिससे हमें पता चले कि किसी को अरिथमिया की प्रॉब्लम है एज वेल एज जो कार्डियक अरिथमिया जो हम कहते हैं तो उसका हम किस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं तो ये सभी चीज़ों को हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर लेक्चर सो एक्सपर्ट बाय अमर अमर सर मिस्टर एम रावल बी इन फार्मास्यूटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स यू फ्रेंड्स फॉर बीन वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड ऑल्सो अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज ऑन द अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप को डाउनलोड करिए आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से गेट द लिंक ऑफ फार्मर ऑक्स इन डिस्क्रिप्सन बॉक्स सो डाउनलोड नाउ द ऐप फार्मर ऑक्स सो अरिदमिया तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन कि वॉट इज द अरिदमिया सो एन अरिदमिया इज ए प्रॉब्लम विथ द रेट और रिदम ऑफ हार्ट बीट तो यहां पे जो हमारे पास वर्ड है वो आप अच्छे से समझिए कि यहां पे जो स्पेलिंग है उसमें रिदम लिखा है और आगे है ए आर दैट मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट्स अरिथ मिया अरिथ मिया और रिदम जो है वो आपकी चेंज हुई है हार्ट की की जो नॉर्मल रिदम थी उसके कंपेयर में उसकी जो रिदम है वो चेंज हुई है तो यहाँ पे हम दो कंडीशन सोच सकते हैं एक तो जो हार्ट बीट थे वो हुए हैं इंक्रीज तो भी अरिदमिया ही कंडीशन कही जाएगी या फिर हार्ट बीट हुए हैं डिक्रीज कि नॉर्मल के कंपेयर में आपके हार्ट बीट इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं दोनों तो मेडिकल कंडीशन कही जाएगी अरिदमिया दैट मीन्स इरेग्यूलर हार्ट बीट आपके हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं है दे आर इरेग्यूलर सो ड्यूरिंग एन अरिदमिया द हार्ट कैन बीट टू फास्ट कई बार ऐसा होता है कि आपके जो हार्ट है वो काफी फास्ट बीट करता है और समाइम टू स्लोली और विथ एन इरेग्यूलर रिदम तो तीन कंडीशन होती है एक तो काफी स्लो वो बीट करता है आपका हार्ट या फिर बहुत ही स्लो बहुत ही फास्ट और उसके जो रिदम है वो रेगुलर नहीं है कई बार फास्ट कई बार स्लो तो दैट इज कॉल ए अरिदमिया दैट इज कॉल ए कंडीशन ऑफ ए अरिदमिया तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ये स्लाइड में से अगर आपको इसका स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं और विथ एनोटेशन लेना हो कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो रेट और रिदम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अरिथमिया और यहाँ पे बीट टू फास्ट और स्लो और विथ इरेग्यूलर रिदम कि यहाँ पे आप नॉर्मल कंडक्शन देख सकते हैं और उसके रिलेटेड ये ईसीजी के जो ये नॉर्मल है कि नॉर्मल रिदम ऑफ अवर हार्ट तो सिग्नल भी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं बट जब कोई डिसीज कंडीशन होती है हार्ट रिलेटेड की लाइक आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन आपको हुआ है तो उसके कारण डिसऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो पास होते हैं हार्ट की ओर तो वो उसमें भी प्रॉपर रिदम जो है वो मेंटेन नहीं होती उसमें भी प्लस माइनस होता है और जिसके कारण ये हार्ट बीट्स का जो जब ई जी हम निकालते हैं तो उसमें इरेग्युलर हमें मिलता है तो वो कंडीशन कही जाती है अरिदमिया सो so, अब समझिए प्रॉपर मेडिकल टर्म्स के साथ एज वेल एज स्टेटिस्टिक्स के साथ कि यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज द मेडिकल टर्म्स तो सबसे पहले ये है नॉर्मल हार्ट बीट और उसके रिलेटेड ये ई कि आप देख सकते हैं ये जो ई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हम कहते हैं तो नॉर्मल हार्ट बीट्स और उसका कार्डियोग्राम और स्टेटिस्टिक्स में देखे तो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट रेंज फ्रॉम सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट कि नॉर्मली सिक्सटी uh, से लेकर हंड्रेड बीट्स होते हैं पर मिनट तो यहां पे दो कंडीशन कि जब आपके हार्ट बीट होते हैं टू फास्ट दैट मीन्स इन स्टेटिस्टिकली और एज द ऑफिशियली मोर देन हंड्रेड बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज कॉल टैकी कार्डिया की कई बार हम ये साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं कि टैकी कार्डिया हो सकता है तो टैकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट्स काफी फास्ट होना और जो हमने वैल्यू नक्की की थी कि 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट वो आपके नॉर्मल है तो जब 100 से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो वो कहा जाता है कंडीशन टैकीकार्डिया कार्डिया सो मेडिकल टर्म टैकीकार्डिया कार्डिया ये उसके रिलेटेड ई जी के आपके हार्ट बीट्स बहुत ही फास्ट है तो इस वक्त इस टाइप का जो ई वो जनरेट होता है एंड जब आपके बीट्स मेजर किए जाते हैं तो वो हंड्रेड से ज्यादा जो है वो मिलते हैं दूसरी कंडीशन कि जब आपके हार्ट बीट्स सौ सिक्सटी से कम है हार्ट बीट्स टू स्लोली मीन्स फ्यूअर देन सिक्सटी बीट्स पर मिनट दैट मीन्स इट इज क्वालिफाई एज ब्रेडिकार्डिया एंड द कंडीशन इज कॉल ब्रेडिकार्डिया तो यहां पे देखिए ब्रेडिकार्डिया कि जिसके अंदर हार्ट बीट सिक्सटी से कम है टैकी कार्डिया सौ से ज्यादा सिक्सटी टू हंड्रेड दैट मीन्स द नॉर्मल बट एक और कंडीशन जो हम सोचते हैं वो है इरेग्युलर हार्ट बीट दैट मीन्स कोई टाइम ऐसा है कि जब आपके हार्ट बीट काफी स्लो होते हैं कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जब हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाते तब ये ई भी आपको इरेग्युलर मिलता है यहाँ पे आपको मिक्सअप मिलेगा टैकी एज वेल एज ब्रेडी कार दोनों का आपको मिक्सिंग देखने को मिलेगा इरेग्यूलर हार्ट बीट्स के अंदर तो ये था अरिथमिया उसके रिलेटेड ग्राफ एस वेल उसके रिलेटेड मेडिकल टर्म्स तो 72 टू बीपीएम का मतलब क्या होगा कि जो हम एवरेज कई बार नॉर्मल गिनते हैं कि 72 टू बीट्स पर मिनट्स दैट मीन्स यर पल्स कि जब आपके जो पल्स होते हैं इज मेजर बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन वन मिनिटे एक मिनट के अंदर हार्ट हाँ ने कितने बीट्स लिए हैं दैट मीन्स वो ही मेजर करेगी आपके पल्स फॉर एग्जाम्पल इफ योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेवनटी टू टाइम्स इन वन मिनिट युड बी सेवनटी टू बीट्स पर मिनिट कि जब uh, 72 टू बीपीएम ऐसा समझे कि आपको लिख कर दिया है या फिर आपके रिपोर्ट में सेवनटी टू बीपीएम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका हार्ट एक मिनट के अंदर सेवनटी टू टाइम्स जो है वो बीट करता है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल योर हार्ट रेट और उसी को हम कहते हैं आपके हार्ट रेट अ नॉर्मल पल्स बीट्स इन स्टेडी एंड रेगुलर रिदम कि जब आपकी रेगुलर रिदम होती है तो उस वक्त आपके जो हार्ट रेट सेवेंटी टू कंसिडर किए जाते हैं और रेंज में हम देखे तो सिक्सटी से हंड्रेड बीट्स पर मिनट तो यहाँ पे ऊपर एक मीटर दिया है वो बहुत ही बढ़िया है वो देखते हैं हम कि हेल्थी कंडीशन में सेवनटी टू के आसपास जब आपके हार्ट बीट्स होते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन कही जाएगी आप कंप्लीटली हेल्दी है आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं है बट समझो कि ये जो मीटर है वो नीचे की ओर जाता है और 60 से भी नीचे जाता है तो जो अभी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू सीखा कि वो कंडीशन को हम कहते हैं कार्डिया। और ये मीटर 100 से ऊपर 100 से भी ऊपर चला जाता है ये वाले रीजन में 100 से भी ऊपर वाले रीजन में कि ये साइड आ जाता है और ये रीजन में रहता है तो वो कहे जाएंगे टैके और इन बिटवीन तो ये नॉर्मल ही है बट जब 72 के आसपास रहता है कि जो ऑन एन एवरेज हम देखे तो दैट वाज द बेस्ट वन तो ये था बीपीएम हमने सीख लिया उसकी नॉर्मल वैल्यूज रेंज द मोर फिट यू आर द लोअर यू रेस्टिंग योर हार्ट रेट विल बी कि जितने आप हेल्दी रहते हैं उतने आपके हार्ट बीट्स अच्छे रहते हैं और वो हेल्थीनेस के लिए एक हम 72 भी एक मार्क रखते हैं कि 72 के आसपास आपके हार्ट बीट से तो दैट वाज टू गुड कंडीशन तो अरित को जब चेक करना है आपको तो खुद भी चेक कर सकते कि फाइंड योर पल्स एट योर होम कि आप जो आपके पल्स रेट है वो काउंट कर सकते हैं थर्टी रेट थर्टी सेकेंड तक उसको आप काउंट करिए एंड फिर उसको डबल कर दीजिए तो वो आपके गए हार्ट बीट तो समझे कि आपको मिलते हैं फोर्टी uh, जितने आपको थर्टी सेकेंड में मिलते हैं तो इनटू टू करोगे तो एटी बीपीएम जो है वो आपका रहेगा हार्ट बीट इवन आप चेक करके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपके जो बीपीएम से वो जरूर से कमेंट कर सकते हैं कि वो भी एक वैल्यूएबल कमेंट रहेगी कि आप आपके आप जो है वो हमारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करते हैं वो उसके साइन रहेगी ईच एंड एवरी पॉइंट आप अच्छे से एक्सेस करते हैं वीडियो लेक्चर में कि जो पता चलेगा कि अगर आप कमेंट करेंगे कि आपके हार्ट बीट्स कितने हैं मेजर करके कि ये जो हम बता रहे हैं उससे आप मेजर कर सकते हैं कोजिस हम जाने तो हार्ट अटैक एक कोज है उसका कि हार्ट अटैक दैट इज अकरिंग राइट नाउ कि रिजल्ट में आपको हार्ट अटैक हुआ है स्केरिंग ऑफ हार्ट टिश्यू फ्रॉम ए प्रायर हार्ट अटैक हार्ट अटैक के कारण आपकी जो हार्ट की जो टिश्यूज थी उसका स्कैरिंग हुआ है चेंजेस टू योर हार्ट स्ट्रक्चर सच एज फ्रॉम कार्डियोमायोपैथी हार्ट का स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ है कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं ब्लॉक आर्टरीज इन योर हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम कहते हैं कि आपके आर्टरीज ब्लॉक है एंड हाई ब्लड प्रेशर उसके अलावा एज भी एक रीजन बनता है हाइपर था बनता है हाई ब्लड प्रेशर है डायबिटीज कंडीशन हार्ट फेलोर हार्ट डिसीज वगैरह के कंडीशन के अंदर आपके हार्ट बीट्स जो है वो इरेग्युलर हो जाते हैं कई बार ब्रेडिकार्डिया और कई बार टैकि कार्डिया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरिदमिया इज आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन कैट्रियल फाइब्रिलेशन जो होता है उसके कारण आपके जो हार्ट बीट्स है वो इरेग्युलर हो जाते हैं एंड फास्ट हार्ट बीट और समटाइम वेरी स्लो मैनी फैक्टर्स कैन अफेक्ट योर रिदम सच हार्ट अटैक स्मोकिंग कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स एंड स्ट्रेस अगर आपका वो स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है तो उसके कारण भी आपके हार्ट बीट्स प्लस माइनस रहेंगे आपको हार्ट डिफेक्ट से स्मोकिंग करते हैं आप ज्यादा हार्ट अटैक आया था तो ये सब कंडीशन के अंदर हार्ट बीट जो है वो इररेगुलर रहते हैं सम सब्सटेंस और मेडिसिंस में आल्सो कोस द रिदमिया कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस और मेडिसिंस की जिसके कारण भी आपको अरिथमिया हो सकता है सिम्टम्स हम देखें उसके तो पेशेंट को फटीग रहता है वीकनेस काफी थकान रहती है की टायर्डनेस तो और वीकनेस यहां पे हम देख सकते हैं डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस डिजीनेस रहती है हेडेक रहता है और फीलिंग द फेंट फेंटिंग और नियर फेंटिंग स्पेल्स जो हम कहते हैं वो होता है पेशेंट को फिर फीलिंग योर हार्ट इज रेसिंग जिसको हम कहते हैं कि कई बार हार्ट बीट फास्ट कई बार स्लो रैपिड हार्ट बीट और पाउंडिंग इन द चेस्ट कि चेस्ट डिसकम्फर्ट जो हम बात करते हैं वो फीलिंग uh, ब्रेथलेस्ट और हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जो शॉर्टनेस्ट और ऑफ ब्रेथ एंड एनजाइटी डिसऑर्डर्स हम कहते हैं साथ में चेस्ट पेन होगा और प्रेशर दैट मीन्स चेस्ट डिस्कम्फर्ट इन एक्सट्रीम केसेस कॉलेप्स एंड सडन अरेस्ट एंड ऑल्सो द डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग तो ये उसके होते हैं साइन एंड सिम्टम्स तो लाइटली ले लेने चाहिए तुरंत आपको उसका डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि जब आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं रिगार्डिंग द अरिथमिया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेस्ट पेन होता है स्वेटिव पसीना भी रहता है साथ में फ्लोटेड चेस्ट पेन और चेस्ट सेंसेशन लाइट हेडेड और डिजीनेस शॉर्ट ऑफ ब्रेथ टायर्डनेस फटीग और जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो देखे वो सभी साइन एंड सिम्टम्स है अरिथमिया के नेक्स्ट बात आती है डायग्नोसिस की तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेस्ट ऑप्शन है डायग्नोसिस के एज वेल एज उसके साथ साथ आपके हार्ट बीट्स भी मेजर किए जाते हैं और जो मेन ये जो ग्राफ है उसी से पता चल जाता है कि ब्रेडी कार्डिया है टैके कार्डिया है या फिर आपके हार्ट बीट्स इरेग्युलर रहते हैं तो जैसे चेस्ट एक्स इलेक्ट्रोड या फिर एंकल इलेक्ट्रोड और ये सी मशीन के यूज करके आपका जो अरिथमिया का जो डायग्नोसिस इजीली हो जाता है ड्रग्स देखे तो एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स यूज होते हैं टू तो ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी टू ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया की अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स यूज होते हैं टू तो प्रिवेंट और टू ट्रीट इरेग्यूलरिटीज ऑफ The cardiac rhythm and arrhythmias are the most important cause of sudden cardiac death. डेथ और अरिथमिया ही एक रीजन बनता है कि सडन जो cardiac अटैक अचानक से आ जाता है आपको या फिर किसी की अचानक से death हो जाती है Due to this cardiac arrest, तो अरिथमिया उसके अंदर मेन cause रहता है तो उसकी जल्दी से जल्दी उसको प्रिवेंट करना या फिर उसके ट्रीटमेंट करना जरूरी जरूरी होता है सो फ्यू अरिथमिया नीड टू बी ट्रीटेड विथ एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स तो ये मेडिसिन की जो यूज होती है टू ट्रीट अरिथमिया वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू लेक्चर के अंदर की जो स्पेशली हमारा लेक्चर रहेगा ऑन रिगार्डिंग द मेडिसिन टू ट्रीट इरेगुलर हार्ट बीट के जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है अरिथमिया सो so, एंटी एरेटिक ड्रग्स का जो डिटेल क्लासिफिकेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग टू हम प्रॉपर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सो टिल देन ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर ऑन एयर गुड लक एंड ऑल द बेस्ट